नमस्कार, आप देख रहे हैं तेजल मीडिया और मैं हूं प्रेमाराम भादु। आज मेरे साथ जो टीम खड़ी है इसका नाम है टीम बाड़मेर। पिछले 10 सालों से बाड़मेर के अंदर विभिन्न क्षेत्रों में काम करने वाली टीम का नाम है टीम बाड़मेर। इसमें डॉक्टर है, इंजीनियर है, समाज सेवी है, शिक्षाविद है, उद्योगपति है, वही आम आदमी भी इस टीम में जुड़ा हुआ है। ना कोई बड़ा है ना कोई छोटा है, सारे टीम सदस्य कहलाते हैं जिसका नाम है टीम बाड़मेर। यहाँ कई मोटिवेशनल स्पीकर भी इस टीम से जुड़े हुए हैं। ये टीम लगातार युवाओं के लिए, बाड़मेर के लोगों के लिए शिक्षा समाज सेवा में काम कर रहा है। इस टीम के सदस्य किसी जाति धर्म के नहीं, जाति धर्म क्षेत्र से ऊपर उठ करके सभी धर्मों के लोग इस टीम में जुड़े हुए हैं। वही खास बात यह है कि पत्रकार बंधु भी इस टीम के मेंबर है। इतनी बड़ी टीम लगातार आयोजन कर रही है और इस साल 2024 में नई पहल की है, नारी शक्ति सम्मान जो है आयोजन होने वाला है। बाड़मेर मूल की नारियां, बाड़मेर मूल की बेटियां 20 जनवरी तक इसमें फॉर्म सबमिट कर सकती है और उसके बाद में 1 फरवरी को 10 बजे टाउन हॉल में बड़ा कार्यक्रम होगा, जिसमें बाड़मेर की नहीं राजस्थान सहित प्रदेश की बड़ी हस्तियां इसमें शिरकत करने वाली है। हमारे साथ आयोजन समिति से जुड़े हुए बाला राम जी गोदारा है, उद्योगपति उत्तरलाई, आपसे चर्चा करते हैं। आप टीम से जुड़े हुए हैं, बाला राम जी नमस्कार। नमस्कार, तेजल मीडिया का हार्दिक स्वागत आपका। ये जो पहल है इस कार्यक्रम को मोटिवेशन के लिए, इसके लिए हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। ये टीम बाड़मेर के द्वारा एक बहुत बड़ी पहल है जिसमें हमारे सुरेश जी जाटोल, बीडी तातेड़ साहब, अबरार मोहम्मद, मतलब सभी जाति धर्मों के लोग मिलके एक टीम बाड़मेर है, जिसके तहत पिछले कई सालों से कई बार युवाओं को, कई बार मतलब अलग अलग सबको मोटिवेशन प्रोग्राम आयोजन किए जाते हैं, उसमें सबको सम्मानित किया जाता है। उससे लोगों का हौसला बढ़ता है और क्षेत्र में अपनी प्रतिभाएं निखारने में उनको और मनोबल बढ़ता है। तो इसी तरीके से इस बार 2024 में नारी शक्ति अवार्ड का आयोजन किया गया, जिसका 20 जनवरी तक फॉर्म सबमिटेड की डेट है। 20 जनवरी तक अलग अलग स्थान इसमें दिए हुए हैं, वहाँ पे अपने आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। और 1 फरवरी को बहुत बड़ा प्रोग्राम है जिसमें राजस्थान सरकार के भी कई मंत्री, और कोशिश है कि इसमें कई और हस्तियों को बुलाया जाएगा, जिसमें हमारे सबसे बड़ी भूमिका निभा रहे हैं सुरेश जी जाटोल और टीम बाड़मेर के और भी सदस्य हैं, हरीश जी जांगीड़, बीडी दातेड़ साहब, अबरार मोहम्मद साहब, सभी मिलके दिन रात लगे हुए हैं और इसमें आप सबकी भी सहयोग की जरूरत है, जगह जगह प्रसार प्रसार की। ये एक एक समाज, एक धर्म, एक किसी का कार्यक्रम नहीं, ये सबका कार्यक्रम है और सबके सहयोग से ये कार्यक्रम सफल होगा। धन्यवाद जी। तो हमारे साथ और भी उद्योगपति है, सर नमस्कार। नमस्कार, तेजल मीडिया में हार्दिक स्वागत है आपका। आपका क्या अपील है आपके आयोजन को लेकर के, तैयारियों को लेकर के? इनके फॉर्म है जो 20 जनवरी तक भरने हैं और बाद में उनको 1 फरवरी को आयोजन रखा गया है टाउन हॉल में, और टाउन हॉल में 1 फरवरी को पधारना है। तो दो दो उद्योगपति मेरे साथ है, जहाँ ठाकरा राम थोरी है वहीं बाला राम जी गोदारा है, उद्योगपति है। लेकिन ये जो आइडिया आया, उस आइडिया पर पत्रकार जो बंधु इनसे जुड़े हुए हैं, प्रेम जी नमस्कार। नमस्कार, ये आइडिया सर कैसे आया, ये जानना चाहते हैं। ये आइडिया ऐसा है कि पिछले 10 साल से हम विभिन्न क्षेत्रों में जो कार्य कर रहे हैं, पहले युवाओं को हमने सम्मान किया था और उसके बाद में पुरुषों को जो 35 साल से ऊपर थे उनका सम्मान किया था। इस बार हम ये चाहते हैं कि बेटियां भी कुछ काम करने के लिए आगे आ रही हैं, तो उनका भी सम्मान किया जाए ताकि बेटियां भी आगे आ सके। तो पूरी टीम को लीड कर रहे हैं सुरेश जी जाटोल, तो आप पत्रकारिता के साथ साथ समाज में बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, विभिन्न संगठनों से जुड़े हुए हैं, लेकिन ये जो टीम बाड़मेर है इसकी थीम बड़ी अनोखी है। हाँ, आदरणीय भादु जी को नमस्कार। टीम बाड़मेर एक गैर राजनीतिक संगठन है हमारा, जिसमें 36 कौम के लोग जुड़े हुए हैं। तो हम सभी का यही विचार था कि एक सामाजिक स्तर पर एक ऐसा, सबको साथ लेकर एक ऐसा काम, अनूठा कार्य करें। तो उसी उद्देश्य के साथ हमारे टीम बाड़मेर के संरक्षक हैं साध्वी जी हैं, और है ना दीदी बबीता जी हैं जो ब्रह्म कुमारी आश्रम से भी हैं, डॉक्टर बीडी तातेड़ साहब हैं, अवरार जी हैं, पूरे सब मिलकर एक शानदार, एक अच्छी सी टीम है। पहले हमने युवाओं के मोटिवेशन के लिए उनके लिए युवा रत्न कार्यक्रम किया, फिर बाड़मेर जिले के प्रबुद्ध जन हैं उनके लिए बाड़मेर गौरव सम्मान, ठीक है, कार्यक्रम का आयोजन किया।
अब तो ये आयोजन किए हैं तो इसको लेकर और भी लोगों की सबकी इच्छा थी और बाड़मेर की बेटियों के भी हमारे पास मैसेज आ रहे थे कि साहब आप अलग अलग फील्ड में सबके लिए कार्यक्रम कर रहे हो तो हमने क्या किया, हमारे बाड़मेर की बेटियों के लिए भी एक अनूठा आयोजन करे हैं। ठीक है, तो अब एक फरवरी को हम ये आयोजन करें बाड़मेर नारी शक्ति अवार्ड 2024। ये जो टीम बाड़मेर है इसके मेंबर नहीं, एक एक मेंबर अपने आप में संस्थान है, अपने आप में एक टीम है, क्योंकि जितने लोग हैं मैं जिनको जानता हूं, अबरार मोहम्मद जी, आदिल भाई, बबीता बहन, या जो पत्रकार बंधु है साध्वी जी है, ये पत्रकारों का भी बड़ा समूह है, उद्योगपति लोग जो है, तातेड़ साहब जैसे शिक्षाविद है, तो आप इसमें अगर देखेंगे तो साथी धर्म क्षेत्र से ऊपर उठ करके लोग है, हर वर्ग के लोग है, खास करके साधु संत और मार्गदर्शन देने वाले लोग जो है वो इसमें शामिल है, और इस काम का जो जिम्मा है वो संभालने वाले टेबल वर्क करने वाले हरीजी जैसे लोग है, एंकर की दुनिया की बादशाह है बाड़मेर के, तो आप इस हिसाब से अगर देखेंगे तो सारे लोग बड़ी बड़ी संस्थाओं का संचालन पहले से कर रहे हैं, लेकिन इन्होंने एक पूरी संस्थाओं का एक संस्था बना करके बाड़मेर में नई ऊर्जा और नई पहचान स्थापित की है। आपको बता दें कि कई बार जिला प्रशासन द्वारा टीम बाड़मेर को सम्मानित किया गया है, इनके नेतृत्व में बाड़मेर में बड़े बड़े आयोजन हुए हैं। दूसरी ओर अगर आप सरकारी योजनाएं देखेंगे, चुनाव का प्रबंधन देखेंगे, कोई इस तरीके का अगर काम है सोशल वर्कर तो हमेशा उनमें आगे आती है टीम बाड़मेर। देखते रहिए तेजल मीडिया, नमस्कार।